as long as it's with. नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम माँ शाही देवी के मंदिर के बारे में बात करेंगे। यह मंदिर शीतलाखेत अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है और अल्मोड़ा से शाही देवी मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 40 किलोमीटर है। अल्मोड़ा से शीतलाखेत के लिए बस प्रातः 8 बजे निकलती है और लगभग 9:45 तक शीतलाखेत पहुंचा देती है और इससे आगे का मार्ग पैदल है जो लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक का है। बस दोपहर 2:45 पर अल्मोड़ा के लिए निकल जाती है। इसके अतिरिक्त कोई और गाड़ी यहां के लिए नहीं चलती है। अगर आप बुकिंग पर और स्वयं की गाड़ी पर आते हैं तो यह भी एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि सुविधा हेतु मंदिर तक सड़क मार्ग भी बनाया गया है और प्राइवेट गाड़ियों को मंदिर तक ले जाया जा सकता है। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपको रास्ते पर सुंदर सुंदर बुरास के पुष्प, काफल के पेड़ और अद्भुत परिदृश्य देखने को मिलेंगे। साथ ही मंदिर की ओर ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने पर हिमालय का एक विशाल दृश्य देखने को मिलता है। माँ शाही देवी की मूर्ति बहुत पुरानी है और इसी तरफ काली माँ की प्रतिमा भी है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजाओं ने एक रात में किया था। इससे पहले यह मंदिर यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, जहाँ कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने कुछ दिन वहाँ तपस्या की थी। शाही देवी का पुराना मंदिर घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ आसपास के लोग ज़्यादा जाया नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ शेर, बाघ का अत्यधिक डर था। इसलिए बाद में इस मंदिर से शाही देवी की मूर्ति को शीतलाखेत की चोटी पर स्थापित कर दिया गया, जो कि अब एक भव्य मंदिर बन चुका है। इस मंदिर में आज भी दाल चावल का भोग लगता है। मंदिर के निकट भैरव जी का मंदिर है, वहाँ भी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। लोग मानते हैं कि शाही देवी की पूजा के बाद जब तक भैरव जी के दर्शन नहीं करोगे तो पूजा अधूरी मानी जाएगी, इसलिए दोनों के दर्शन करना आवश्यक है। शाही देवी मंदिर से जुड़ी मान्यता, माना जाता है कि शाही देवी अल्मोड़ा के राजाओं की कुलदेवी थी। यहाँ के राजा देवी की पूजा करते थे। मंदिर के मुख्य पुजारी के अनुसार मंदिर 11वीं शताब्दी का बना हुआ है और मंदिर में भगवान गणेश जी की मूर्ति 1254 में स्थापित की गई थी। जो भी भक्त सच्चे मन से देवी के दर्शन करने आते हैं उनकी मुराद पूरी होती है और मन्नतें पूरी हो जाने पर भक्तगण अपने परिवार के साथ यहाँ आकर घंटियाँ चढ़ाते हैं और भंडारा करते हैं। माना जाता है शाही देवी माँ 3 रूपों से जानी जाती हैं। पहली, जब सूर्य निकलता है तो देवी सुनहरे रंग की दिखाई देती हैं। उसके बाद दिन में काली रूप में आती हैं और शाम को दक्षिण की ओर से जब किरणें पड़ती हैं तब सांवले रंग की दिखती हैं। साथ ही आज भी दर्शन करने आए श्रद्धालु शाही देवी के प्राचीन व नवीन दोनों मंदिर में दर्शन करते हैं।
मैं और मेरे सभी दोस्त नवरात्रि के इस पावन अवसर पर प्रथम नवरात्र के दिन मैया के दर्शन के लिए पहुँचे थे और हमारी पूजा के बाद कलश यात्रा सभी जगहों से होकर मैया के दरबार पर पहुँच गई थी और आज से ही यहाँ भागवत भी शुरू हो गए हैं। मंदिर आकर हम सभी को बहुत आनंद की अनुभूति हुई। मैया के दर्शन पाकर बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। उम्मीद करती हूँ कि मैया आपको भी जल्द से जल्द दर्शन दें। और वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।